देखो हाँ, वेक्टर जब खत्म होगा तो हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर का रेस्ट देखो आगे है ना, कुछ टर्म्स देखो। पहला फर्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहाँ है सर बुक में? ये हम बताएंगे, दिखाएंगे बुक में सारा चीज, हम बुक में दिखाएंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, मान लो ए डॉट बी इक्वल टू, ए और बी दो वेक्टर है मेरे पास, मान लो ये दो वेक्टर है मेरे पास, ध्यान से देखो ये ए है और ये क्या हम लोग तो बी है, और बीच का एंगल थीटा है, और इसको निकालना हम लोग थीटा को, तो कैसे निकालेंगे तो ए डॉट बी निकाले जानते हम निकाल लेंगे, ए और बी दिया रहेगा, फिर निकालेंगे ए बी कॉस थीटा, क्या लिखे बोलते ए बी कॉस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी भी निकाले जानते हैं, थीटा तो निकल जाएगा मेरा, ए डॉट बी होता है परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो या अगर मान लो कि और इसी को दूसरा तरह से लिखना चाहेंगे, अगर वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है ए वन आई कैप प्लस बी वन ए कैप प्लस सी वन के कैप है, और वेक्टर बी दिया हुआ हम लोग के पास ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप अगर दिया हुआ है मेरे पास, तो आगे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा बताओ, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बेस का हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लो, बेस का क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, इफ वेक्टर ए इक्वल ए टू इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप, बी इक्वल टू माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ए और बी के बीच में हमको एंगल निकालना है ठीक है, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, सॉल्यूशन हम लोग क्या क्या निकालना पड़ता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कि नहीं, ए डॉट बी निकालेंगे हम लोग यहाँ पर देखो, गिवन हम लोग लिखेंगे गिवन गिवन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू क्या बोल रहे थे, टू आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के डॉट बी क्या बोलो तो माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप, क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू इंटू करो यहाँ पे बताओ, टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस माइनस फाइव इंटू सिक्स इक्वल टू क्या बोलते माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व माइनस थर्टी कितना आ जाएगा बताओ, माइनस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू कितना हुआ माइनस फोर्टीन ट्वेंटी फोर क्लियर यहाँ तक। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर है कि नहीं, इक्वल टू रूट कितना होगा बताओ, फोर प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव ऐड कर देंगे इसको हम लोग, थर्टीन थर्टीन और ऐड कर देंगे यहाँ पे, नाइन फोर थर्टीन तो फोर्टी एट, नाइन फोर थर्टीन फोर्टी एट आ गया ना, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, क्या बोलो तो थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बोलो तो नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू रूट ऐड कर सकते हैं इसको हम लोग, ट्वेंटी फाइव तो फिफ्टी हो जाएगा ना, ट्वेंटी फाइव तो सिक्सटी बनेगा ना, सिक्सटी वन ठीक है यहाँ तक। तो अब हम लोग को निकालना है बताओ, नाउ सिंस ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, या इसको अगर हम लोग सीधा करेंगे तो नीचे चला जाएगा ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी, कोई दिक्कत बोलो, ए डॉट बी कितना आएगा बताओ, ए डॉट बी कितना आएगा माइनस ट्वेंटी फोर आएगा ना, माइनस ट्वेंटी फोर बाई ए डॉट बी कितना आएगा, ए बी कितना है बताओ,
48 रूट 48 रूट 6 रूट 61 क्लियर है यहां तक? तो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बता सकते हो? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, इधर से थीटा करेंगे ना इधर के इनवर्स बनेगा, क्या बनेगा बोलो? इनवर्स cos इनवर्स -24 / रूट 48 डॉट रूट 61 आंसर। समझ में आया बात कि दो अगर फैक्टर दिया हुआ दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो ये फार्मूला बस लगाते ना हम लोग, ये फार्मूला है कि नहीं, ए डॉट बी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, कॉस निकल जाएगा। तो दिक्कत परेशानी बोलो नहीं है? चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लो।